The question is, a particle moves along a straight line OX at a distance at a time. The distance is given, मतलब हमें distance और time में equation given है. पूछा how long would the particle travel? How long would the particle mean travel का मतलब ये हुआ कि वो कितना distance cover करेगा before come to rest. यानी कि before come to rest का मतलब हो गया वो उसकी final speed zero हो जानी चाहिए. तो जब उसकी final speed zero हो जाएगी तब तक वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा. तो पहले मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा कि स्पीड और टाइम में रिलेशन क्या है और किस टाइम पर स्पीड जीरो हो जाएगी, ताकि मैं ये फाइंड कर सकूं कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा. तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि स्पीड निकालने के लिए हमें करना होता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब हमारे पास इक्वेशन है एक्स की 40 + 12 टी माइनस टी की क्यूब. तो हम यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं. तो 40 तो कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस 12 टी का जब आप करोगे तो 12 बचेगा सिर्फ, क्योंकि डी टी अपॉन डी टी 1 हो जाएगा. फिर माइनस टी की क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 3 × में टी का स्क्वायर. मतलब डिफ्रेंशिएशन जब आप कर रहे हो तो पावर एक जो भी पावर वो आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी. तो हमें ये पता चल चुका है कि जो स्पीड है, जो भी इक्वेशन उसके टाइम के रेस्पेक्ट में, वो है 12 − 3t². अब फाइनल स्पीड कितनी है, 0. तो इसका मतलब जब फाइनल स्पीड 0 होगी तो हम फाइंड कर पाएंगे कि टाइम कितना होगा, मतलब किस टाइम पर फाइनल स्पीड उसकी 0 हो जाएगी. तो 12 − 3t² 0 के इक्वल अगर है तो मैं लिख सकता हूँ 12 बराबर होगा 3t² के, या t² इक्वल होगा 12/3, जिसको आप 4 भी लिख सकते हैं. और जब आप अंडर रूट करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी, ±2. तो हम तो सिर्फ पॉजिटिव लेंगे टाइम को. तो हमें ये पता चल चुका है कि जब 2 सेकंड हो चुके होंगे तब पार्टिकल की स्पीड 0 हो जाएगी. अब देखो, अब निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजिशन. तो x इक्वल टू कितना होगा वो फाइंड करना है. अब ये वो टाइम है जब स्पीड कितनी हो गई, 0. तो अब हम फाइंड कर सकते हैं ना वो डिस्टेंस जब स्पीड 0 हो गई है, बाय पुटिंग टाइम्स वैल्यू इक्वल टू 2. तो x इक्वल टू 40 + 12t − t³. ये 40 + 12 × 2 − 2³. तो जब आप इसको सोल्व करेंगे आएगा 56 मीटर. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी.